डिलीवरी में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो या सिक्योरिटी में आई और अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स पे आता है तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी फ़ी मैनेज कर सकता है यहाँ पे तीन या चार साल का अगर उसका कोर्स है सात हज़ार में पे कर गया था डिशिल और बाकी जो है वो रहती थी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो वो मैंने इधर आगे भेजी है तो वो जर्मन डोनर एंड चिप्स था तो वहाँ पर मैं गया था तो बस मैंने दो दिन वहाँ पर काम किया होगा फिर वो मालिक ने मुझे कहा था कि यार तो ना भाई आईना के बाद यहाँ सिक्योरिटी बेस्ट है आपको जॉब नहीं मिलती ठीक है यहाँ भी लंदन में या यूके में तो फिर उसके अलावा आपके पास क्या है हमेशा होता है वहाँ पे आपकी अर्निंग थी एक एवरेज वहाँ पे भी अर्निंग मेरी काफ़ी थी मतलब अगर आपने तो ये हमारे साथ हैं उसमा भाई चौदह अगस्त है और आज पूरा एक साल हो गया यूके में लंदन में बेसिकली तो इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इनका एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या क्या इन्होंने काम किए जॉब्स की क्या सिचुएशन क्या हार्डशिप्स इन्होंने देखी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या फी मैनेज की या नहीं की फी इन्होंने घर से मंगवाई यहाँ पे जॉब्स करके खुद कमाई यू कैसा लगा इन्हें लंदन कैसा लगा तो इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस तो आज आपको ऑफिशली एक साल पूरा हो गया लंदन में कैसा आपका एक्सपीरियंस अगर आप सिंगल वर्ड में पहले बताना चाहें जी सिंगल बर्ड में तो कप्तान सब्ते क्योंकि ये जरा वो बहुत लंबी जर्नी होती है और हाँ आज मुझे पूरा एक साल हो गया मैं चौदह अगस्त दो को आया था और आज जो है वो चौदह अगस्त दो हज़ार चौबीस है तो अगर मैं बताऊँ अपनी जर्नी के बारे में तो ये जो है वो अच्छी बताएं कि आप जॉब क्या कर रहे हैं जॉब मेरी सिक्योरिटी का ठीक है। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट आप भी सिक्योरिटी कर रहे हैं जी जी आपको पता है कि फिर सिक्योरिटी तो ये है कि सारे पाकिस्तानी मिसिंग में आते हैं सबसे पहले आए थे तो आपकी पहली जॉब क्या थी आ, पहली जॉब जो मैंने स्टार्ट की थी वो एजेशर के सामने वो स्टार्ट की थी तो उसके बाद से मैंने सिक्योरिटी कर रहा तो मतलब आपने दोनों फील्ड्स जो हैं वो देखी हुई हैं आपने डिलीवरी भी करके देखी है आपने सिक्योरिटी भी करके देखी है तो आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे आने वालों को कि दोनों में से कौन सा काम ज़्यादा बेटर है ज़्यादा पेइंग है मतलब डिलीवरी में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो या सिक्योरिटी में आई नो दोनों फील्ड्स के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं फ़ायदे नुकसान आते हैं हर के अपने अपने बीच में है लेकिन ओवरऑल जो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है तो आपको किस में फ़ायदा हुआ सिक्योरिटी में या डिलीवरी में नहीं मैं अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर आपको फ़ायदा सिक्योरिटी में है डिलीवरी भी ठीक है कुछ लोग जो मतलब जिन्हें है कि वो ज़्यादा सोना चाहते हैं या मतलब और उन्हें ज़्यादा अगर अर्निंग करनी है तो वो डिलीवरी में आज एक दो वो ज़ाहिर है कि उसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं मतलब आपके ऊपर कोई रोक रोकथाम नहीं है जितना आप काम करेंगे जितने आप आवर्स देंगे उतना आप कमा सकते मतलब अगर आप आठ घंटे काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अगर आप वही काम बीस घंटे करना चाहते हैं तो आप लगातार कर सकते हैं वो आप पे है, आप पे है।, आप पे है। लेकिन सिक्योरिटी में यह है कि आपको शिफ्ट मिलेंगी तो आपको काम लेकिन आपका जो जी एक्सपीरियंस है वो सिक्योरिटी का ज़्यादा अच्छा रहा हाँ मेरा सिक्योरिटी का ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि सिक्योरिटी में यह है कि आपको जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे भेजा जाता है मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने इवेंट्स कवर किए हैं उसके बाद फुटबॉल मैचेस कवर किए हैं मैंने स्टेडियम में सिक्योरिटी की है तो इससे अच्छा है कि मतलब आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा होती है तो वो मैं ज़्यादा पर्सनली इन्जॉय करता हूँ इस वजह से मैं सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किसको अच्छा समय का इसमें वो ज़्यादा वीक पोटेंशियल है हाँ मेरे बेस्ट है ठीक है जैसे सारे नाना तारीम के लिए आते हैं मैं भी वैसे ही आया तो था पाकिस्तान पाकिस्तान में आप क्या करते थे आ, पाकिस्तान में मैं सोम फारुक हुआ उसके बाद श्री लाल सिंह जाता था श्री लाल और एक जर्मन कंपनी थी मान पायलट उसके मेजा सॉफ्टवेयर डिवेल पर आप वेब पर पे वेब स्टेट पर वहाँ पे आपकी अर्निंग ऑलमोस्ट कितनी थी एक एवरेज वहाँ पे भी अर्निंग मेरी काफ़ी थी मतलब अगर आप हिसाब ने पाकिस्तानी में पाकिस्तानी में में तो वो मतलब दो से डाई लाख एक मंथ का तो यहाँ पे जब आप आए हैं तो क्या यहाँ पे आप बचत बचत एक महीने का दो ढाई लाख निकाल रहे हैं या नहीं नहीं यहाँ पे आप मतलब गुस्सा नहीं निकाल सकते लेकिन आपका अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो आपके उसी तरह से सच्चे भी हैं क्योंकि लंदन आपको तो पता है काफ़ी महंगा सिटी है लेकिन यह है कि मतलब आप आए यहाँ पे अपनी फीस जो है वो आप पे करें और अपने हर मैनेज करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि मतलब आप पाकिस्तान से आए होते हैं

तो कितनी आपकी आप पे करके आए थे कितनी रहती थी मेरी एक्चुअली फ़ीस uh, मेरी नॉर्थ हम्पन यूनिवर्सिटी और उसकी फीस थी मेरे यहाँ से 14,000 या फिफ्टीन तो मेरे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी थर्टी परसेंट मेरे जी पी ठीक था उसमें मेरे थ्री पॉइंट फोर जी था मेरे तो उसके बाद मेरी फ़ीस हो गई थी इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो सात हज़ार में पे कर गया था डिशिल और बाकी जो है वो रहती थी फोर थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो वो मैंने इधर आगे पे की अब आपकी फ़ी क्लियर होगी है और हाँ जो आपकी भी भी बकाया फी थी चार हजार समथिंग वो आपने एक साल के अर्से में मैनेज करके दी है उसमें हाँ हा, तो उस आपको कितना टाइम लगा लाइक पहले सिक्स मंथ्स में आपने दे दी आपको पूरा साल लगा है दे दी थी मतलब छः सात महीने में या आठ महीने में आप कैसे छः सात आठ महीने में आपकी जो बकाया फी थी वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वो आपने सात आठ महीने के अर्से में फी निकाली थी और वो आपने पे की है ठीक है अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स पे आता है तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी फ़ी मैनेज कर सकता है यहाँ पे तीन या चार साल का अगर उसका कोर्स है तो क्या वो फ़ी निकाल सकता है साल की ग्यारह बारह हज़ार पाउंड अगर तो वो बैटल में आता है तो बैटल में बहुत हार्ड है उसके लिए तो ये मतलब इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि उसने यहाँ पे वो है भी छोटा सा बच्चा होगा क्योंकि मतलब जब भी आते हैं वो उनकी उम्र उन इतनी ज़्यादा नहीं होती बीस बाईस साल का होता है तो वो आएगा ऊपर से उसको भी होगी नए लोगों से नए कल्चर में नए इन्वायरमेंट में आएगा तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हैं तो मेरे ख्याल से मैं प्रेफ़र तो यही करता हूँ कि वो आ, अपने दो साल उतर कम्प्लीट कर ले और थर्ड ईयर यहाँ पर टॉप अप होता है तो उसके अंदर वो आ जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है हालांकि मतलब कि आपने अगर तो बारह तेरह हज़ार फीस पे करनी है तो वो इतना वर्थ इट नहीं है यहाँ पे आके निकालना हो पे करना मतलब तीन साल लगातार एक तो वर्थ इट भी नहीं है और दूसरा आलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल सिचुएशन है क्या बैचलर्स की फ़ीस यहाँ पे निकालें हाँ बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आपने रहना भी है खाना भी है और अगर तो आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली से और अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं भी आप पैसे भेजी तो वो तो बहुत ही मुश्किल है अगर आप इस चीज़ से यहाँ पर मैनेज होगी तो अगर आप रिस्क लेते हैं मतलब आप पॉजिटिव हैं अपने माइंड सेट के ऊपर तो आ सकते हैं लेकिन यही है मेरा अगर आप पॉइंट नहीं बैचलर्स पे नहीं है जॉब सिचुएशन की क्या है आपने आपकी जॉब सिचुएशन को आपने कैसे पाया आपने कैसे फेस किया ठीक है जॉब इंडस्ट्री को यहाँ पे क्योंकि हर बंदा ऑलमोस्ट यही कहता है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती जॉब्स नहीं मिलती तो इवेंचुअली स्टोडा सा या सिक्योरिटी कर रहे होते हैं या वो डिलीवरीज कर रहे होते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस था जॉब आपको कब मिली या आपने किस तरह से जॉब जैसे बताया आपने क्या आपने डिलीवरी से स्टार्ट की आपने डिलीवरी की तो क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट पे किसी टेक अवे पे या किसी और टाइप की जॉब की या सिर्फ आपने सिक्योरिटी और डिलीवरी ही की नहीं ऐसा नहीं है मतलब मैं अगर आप तो वर्ड टू वन आपका क्वेश्चन का आंसर करूँ तो ये है कि मतलब जॉब्स हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है क्योंकि यूके जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू यूरोप मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वास्ट हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं हर तरह की कम्यूनिटी है तो मतलब जॉब आपको इवेंचुअली मिल जाती है लेकिन यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है आपने लोगों के साथ इन टच रहना है और जहाँ भी आप मतलब अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या मतलब चिल्ते फिरते किसी से भी आप बात करते हैं तो आपने उसे बताना है कि यार मैं नया आया हूँ मुझे अभी जॉब नहीं मिली थी तो मैं क्या करूँ और ज़्यादातर आपने जो है वो गूगल और इंडीट वगैरह पे अप्लाई करते रहे लेकिन ज़्यादातर ये है कि आप टोल तो विज़िट करें ये क्योंकि मेन तरीका होता है कि आप वहाँ पर जाके उनसे बात करें क्योंकि जो क्या है वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो इसकी वजह से वो मतलब मेरे ख्याल से इतना बॉडर नहीं करते तो मैंने क्योंकि एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था डिलीवरी से तो मैं उसी का बता सकता हूँ डिलीवरी और सिक्योरिटी तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप सबसे पहले आके अपना ऐसा ये बैच बनवाएं उसमें मेरे यहाँ से आपके ऊपर कोई फाइव हंड्रेड तक खर्चा आता है और उसके बाद एंक्फा में टेक अवे पर भी गया था मेरी बात लेती हुआ फेस्टबुक से ही तो वो जर्मन डोनर एंड चिप्स था तो वहाँ पर मैं गया था तो बस मैंने दो दिन वहाँ पर काम किया होगा तो उसके फिर वो जब मालिद ने मुझे कहा था कि यार तू ना भाई आईना के बाद ना आई आप <laughs> क्योंकि तेरे से भाई बहुत मुश्किल कहा भाई ये तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो है वो कभी मैंने काम किया नहीं था ऐसा तो मैं मुझे वो आ, काम था वो काफ़ी फ़ास्ट था पड़ता था तो वो मुझे कहता था कि रैप बना होता तो मैं रैप जैसे ही बनाता था तो एक तो साइड से फोल्ड करता था तो दूसरी साइड से निकल आता था दूसरी साइड से करता था तो इस साइड से निकल आता था तो मतलब एक दो दिन में उन्होंने मुझसे सब काम करवाया कि दिया आपने ग्रिल भी करनी है आपने चिप्स भी फ्राई करने हैं उसके बाद सारा मेन्यू उनका समझना वो भी काफ़ी मुश्किल था और ऊपर से घूम ले गए उसके बाद किचन तो तो में ले गए कि आप तुमने कटिंग भी करनी है सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें तो वो मतलब मैं एक दिन किया दूसरे दिन किया तो फिर दूसरे दिन तो उसने दुआ के के मुझे जवाब के दिए कि भाई बहुत मुश्किल मात तुमसे ना हो पाएगा सब अच्छा मास्टर्स आपका आलमोस्ट नियर टू कम्प्लीशन है तो आपका क्या प्लान है मास्टर्स के बाद यहाँ पे मुस्तबिल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं तो मास्टर्स तो मेरा आलमोस्ट कम्प्लीट है चल रही है और एक दो असाइनमेंट्स रहती हैं तो उसके बाद ये है कि आप अपनी फील्ड की जॉब डूबें तो वो अगर आपको मिलती है नहीं तो पी एस रखिए हो तो हैं तो वो भी नहीं अपलाई करना है आपकी वफनी है फील्ड की जॉब घूमनी है तो बाकी भी बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं इसके तो यहाँ पर आप यू के में आते हैं तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ यहीं पर जॉब सर्च करनी है आपके पास यूरोप साथ है यूरोपियन यूनियन में ट्वेंटी सेवन कंट्रीज़ आती हैं तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं आपके पास अगर यू के की डिग्री है तो वो मतलब हर जगह पर मानी जाती है अच्छा अगर फर्ज करें कि खुदा ना नास्ता आपको जॉब नहीं मिलती ठीक है यहाँ भी आ, लंदन में या यूके में तो फिर उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन हैं नहीं अगर आपको जॉब नहीं मिलती इवेंचुअली तो अगर आप कोशिश करें तो जॉब माते यहाँ भी ऐसी है कि आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन की है या कोई डिग्री आपकी दी है और उसके सीज में आपके पास थोड़ा नॉलेज भी है और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो मतलब आपको जॉब एवेंचुअली मिली जाती है अगर ना मिले मतलब खुदान खास्तान ना मिलती है तो फिर आप यह है कि यूरोप है आपका ट्वेंटी सेवन कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है उसके अलावा कैनेडा ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अल्लाह ताली हेल्प करेगा और आपने अपनी अपने एफर्ट जारी रखनी है और आपके घर वालों की दुआएं तो आपके साथ हमेशा होती हैं तो इमेंचुअली इनशाला इन शाह इनशाला बस पाकिस्तान जाने का कोई प्लान है या यहीं पर साइकिल में हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है वैसे देखिए मसलन ये है कि अभी हम आगे जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं जिस तरह बिजली के मसले मसें रहे हैं कमेंट के मसले मसें रहे हैं तो बहुत मुश्किल है वैसे ऐसे फैसला करना लेकिन इवेंचुअली ये है कि आपने यहाँ से जाना तो वहीं पर आप अपनी कंट्री से जितना भी दूर होते हैं वो तो हलीके रहती है आपके दिल में और मैं बेसिकली कश्मीर का तो मेरे ममा पापा भी वो बोलिए हमेशा बोलते थे बात डिग्री डाल के तुम वापस आ रही शांति कराए सबसे पहले ये तो तो बस ये आपने साइकिल बनाया तो मैं उनको बोलता हूँ भाई ये होगा लेकिन आप देखें बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच फॉर स्पेरिंग टाइम फॉर अस आपने इतना जो है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो ओवरऑल सम अप करें ठीक है जॉब मार्केट आपकी स्टडी की रूटीन आपकी सारा यहाँ के मौसमी हालात जैसे मौसम आज अभी आज का मौसम है ठीक है यूके के बेईमान मौसम की तरह तो आपके आप तो से टन का देखते हैं तो मैं तो नाइन इसको दूँगा क्योंकि ये मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे तो बहुत लंबी लगती है मैं कश्मीर था तो वहाँ पे मौसम ठीक होता है तो मैं जब था इस्लामाद तो मैं इस्लामिक नर्सिद से पढ़ा हुआ तो मैं मुझे मतलब मेरा गार था उधर तो मुझे तो गर्मी ने इतनी मेरी मात मारी थी कि मेरा जो जिसम था वो ऐसे या ना बैठ के साथ ऐसे जिससे चिपक जाता था तो तोहफा पड़ी थी मैंने कहा यार एक दफ़ा तो मैं किसी ठंडे मुल्क में चला जो तो खेल मैं वापस नहीं आता तो बस यही हुआ कि यहाँ पर तो मौसम मुझे अच्छा लगा है बाकी लोगों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है जो मतलब इंडिया बांग्लादेश यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ से वो आते हैं तो उनके लिए काफ़ी चेंज हो पाया है वैदर लेकिन मेरे लिए इतना कोई हास नहीं हुआ ठीक है बहुत शुक्रिया आपका तो इन जरूर मुस्तकबिल में भी हम आपके पास आएंगे आपके मजीद एक्सपीरियस लेने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हुए लोगों के तो वो कॉमेंट्स में पूछेंगे और फिर आपको हम उनके जवाब देने के लिए दोबारा अहमत देंगे नहीं कोई मसाला नहीं है आप मुझे दे मेरा बेशक आप फेसबुक आई डी मे करें इंस्टाग्राम कर दें जिसने भी कोई भाई ने बॉस हुआ कुछ नहीं हुआ क्या बात है बहुत शुक्रिया आपका अपना ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफि